हेलो गाइस, वेलकम टू द आर्टिकुलेट थॉट्स। मोहम्मद दीन की कहानी पहली कहानी है इस सीरीज़ की जो हम आगे कवर करने वाले हैं। ये स्टोरीज़ लिखी हैं रडयार्ड किपलिंग ने। अगर आप रडयार्ड किपलिंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो ऊपर इस लिंक पे क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करें। इस स्टोरी में रडयार्ड किपलिंग ने अपना नाम नहीं बताया है और वो खुद को मी कहकर रेफ़र कर रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को ये स्टोरी सुनाते हुए मैं भी मैं वर्ड का ही यूज़ करूँगा रडयार्ड के लिए। तो अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक पोलो बॉल थी, वो काफ़ी पुरानी थी और उस पर काफ़ी स्क्रैच पड़े हुए थे। ये पोलो बॉल अंगीठे के ऊपर रखी हुई थी जिसको इमाम दीन मेरा खिदमतगार साफ कर रहा था। क्या साहिब को ये बॉल चाहिए? इमाम दीन ने मुझसे पूछा। फिर उसने कहा, मुझे ये बॉल अपने लिए नहीं चाहिए, मेरा एक छोटा बेटा है और वो इस बॉल से खेलना चाहता है। वो पुरानी पोलो बॉल मेरे किसी काम की नहीं थी तो मैंने वो इमाम दीन को दे दी ताकि उसका छोटा बेटा उस बॉल से खेल सके। जैसे ही वो बॉल लेकर बाहर बरामदे में गया, मुझे किसी की खुशी से चिल्लाने, छोटे से पैरों के भागने और बॉल के ज़मीन पर उछलने की थड़ थड़ आवाज़ आने लगी। इसका मतलब वो छोटा बेटा बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि कब वो बॉल उसको मिले और वो उससे खेले, लेकिन उसने कैसे इस बॉल को देख लिया था। अगले दिन मैं ऑफिस से आधे घंटे पहले घर आ गया। जब मैं डाइनिंग रूम में जा रहा था तो मैंने वहाँ एक छोटे बच्चे को देखा। उसने एक कमीज़ पहनी हुई थी जो उसको बहुत छोटी आ रही थी और नीचे से उसका मोटा पेट दिख रहा था। वो अपना अंगूठा मुँह में डाल के गाने गुनगुनाता हुआ पूरे घर में इधर उधर घूम रहा था। वो इमाम दीन का छोटा बेटा था। उसको मेरे रूम में कोई काम नहीं था, वो बस मेरे रूम में रखी हुई चीज़ों को देख रहा था और उसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि मैं भी डाइनिंग रूम में आ रहा हूँ। मैं जैसे ही डाइनिंग रूम में आया, वो मुझे देख के डर गया और वहीं पर नीचे बैठ गया। उसके बाद उसने अपनी आँखें खोली, उसके बाद मुँह खोला और ज़ोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सर्वेंट्स क्वार्टर्स तक इतनी जल्दी पहुँची जितनी मेरी आवाज़ पहले कभी नहीं पहुँची थी। 10 सेकंड्स के अंदर इमाम दीन डाइनिंग रूम में था। वो छोटा बच्चा रो रहा था और अपनी छोटी सी कमीज़ को रुमाल की तरह अपने आंसू पोंछने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इमाम दीन अपने बेटे को डांटने लगा, ये लड़का बदमाश है, बहुत ज़्यादा बदमाश, अपने इस बर्ताव की वजह से ये एक दिन ज़रूर जेल जाएगा। ये सब सुनकर वो छोटा बच्चा और ज़ोर से रोने लगा और इमाम दीन मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मैंने कहा, अपने बच्चे से कहो कि मैं उस पर गुस्सा नहीं हूँ और इसको बाहर लेके जाओ। उस बच्चे की छोटी सी कमीज़ उसके गले तक फोल्ड होकर आ गई थी। इमाम दीन ने उसको अपनी गोदी में लिया और कहा, इसका नाम मोहम्मद दीन है, जैसे नाम किसी गुनाह का ही हिस्सा हो, और ये एक बदमाश है। इसके बाद इमाम दीन दरवाजे से बाहर की तरफ जाने लगा। तभी मोहम्मद दीन पीछे की तरफ मुड़ा और मुझसे कहा, ये सच है कि मेरा नाम मोहम्मद दीन है ताहिब, लेकिन मैं बदमाश नहीं हूँ, मैं एक आदमी हूँ। इस घटना के बाद मोहम्मद दीन मेरे डाइनिंग रूम में नहीं आया, वो बस आंगन में ही रहा और हम जब भी मिलते थे एक दूसरे को दुआ सलाम भी किया करते थे। वो मुझे कहा करता था, सलाम ताहिब, और इसके जवाब में मैं भी कह दिया करता था, सलाम मोहम्मद दीन। हर रोज़ जब मैं ऑफिस से घर आता तो वो बच्चा अपनी छोटी सी कमीज़ में अपना मोटा सा पेट लिए खड़ा होता था घर में मेरा स्वागत करने के लिए। मैंने मोहम्मद दीन को कभी किसी के साथ नहीं देखा था, वो हमेशा अकेले ही खेलता रहता था। एक दिन उसने बगीचे में एक छोटी सी कारीगरी की, उसने पोलो बॉल को आधा मिट्टी में दबा दिया और एक सर्कल बनाकर 6 गेंदे के मुरझाए हुए फूल रख दिए। इसके बाहर उसने एक और सर्कल बनाया और उसमें टूटी हुई लाल ईंटें और चाइना रख दी। सबसे बाहर एक और सर्कल था जो मिट्टी से बनाया था बाउंड्री करने के लिए। जब मैं बगीचे में आया तो मैंने मोहम्मद दीन की इस कारीगरी को देखा नहीं और गलती से मेरा पैर इस पर पड़ गया जिससे वो ख़राब हो गया। किसी ने उसको ये भी बोल दिया कि ये सब बनाने से बगीचा ख़राब होता है और इसीलिए साहिब उससे बहुत गुस्सा हैं। जब मैं वापस बगीचे में मोहम्मद दीन के पास गया तो वो बहुत भारी मन से गेंदे के फूल की मुरझाई हुई पत्तियाँ, ईंटें और चाइना उठा रहा था। जब उसने मुझे देखा तो कहा, तलाम ताहिब। वो एक छोटा बच्चा था और उसको बगीचे में मिट्टी में ऐसी चीज़ें बनाने की पूरी इजाज़त थी।
तो अगले कुछ महीनों तक मैंने उसको बगीचे में बहुत सारे डिज़ाइंस और छोटी बिल्डिंग्स बनाते हुए देखा। इन सबको बनाने के लिए वो इधर उधर पड़ी चीज़ें ही इस्तेमाल किया करता था, जैसे छोटे पत्थर, टूटे हुए कांच के टुकड़े और चिड़िया के गिरे हुए पंख। वो हमेशा अकेला होता था और गाने गुनगुनाता रहता था। एक दिन मैंने देखा कि मोहम्मद दीन ने जो बिल्डिंग्स बनाई हैं उसके पास एक सी शेल भी रखा हुआ है। मैंने उससे कहा कि उसको कोई और डिज़ाइन या और अच्छी बिल्डिंग्स बनानी चाहिए, और उसने मुझे निराश नहीं किया। उसने एक घंटे तक बैठ के गाने गुनगुनाते हुए सोचा, और फिर उसकी गुनगुनाहट पूरे गाने में तब्दील हो गई। तब उसने मिट्टी में अपनी कारीगरी शुरू कर दी। ये कोई बड़ा महल बना रहा होगा, क्योंकि उसने 2 यार्ड लंबी और 1 यार्ड चौड़ी जगह चुनी थी, लेकिन वो महल कभी भी पूरा ना हो सका। अगले दिन जब मैं ऑफिस से घर आया तो मुझे तलाम ताहे बोलने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। मुझे उसके सलाम की आदत पड़ गई थी और उसकी गैर हाजिरी मुझे परेशान कर रही थी। उसके अगले दिन इमाम दीन ने मुझे बताया कि मोहम्मद दीन को बुखार हो गया है और उसको कुनीन की दवा चाहिए। उसको एक इंग्लिश डॉक्टर और दवा मिल गई है। एक हफ्ते बाद मेरी मुलाकात इमाम दीन से हो गई, और अगर मुझे पहले पता होता तो मैं यही चाहता कि वो मुझसे वहाँ पर ना मिले। वो अपने एक दोस्त के साथ था और वो दोनों कब्रिस्तान जा रहे थे। इमाम दीन के हाथ में सफ़ेद कपड़ा था और उस कपड़े में लिपटा हुआ था जो भी अब इस दुनिया में रह गया था मोहम्मद दीन का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप रडयार्ड किपलिंग की और स्टोरीज़ के ऊपर और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लिव हैप्पीली।